जय सेवा जय गोंडाना सगाजनों, सभी गोंडाना वासियों का गोंडास गुंडलम पे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम गुंडी वोकैबुलरी पढ़ेंगे। ये जो गुंडी वोकैबुलरी जो हमारी जैसे कि वर्ड्स वाली हुई यानी क्रियापद वाली है, तो इसमें हम ए से लेकर झड़ तक के पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज हम ए सीरीज वाले क्रियापदों को पढ़ेंगे, कल जो पढ़ेंगे हम बी सीरीज वाले, सी सीरीज वाले, इस प्रकार से हम सभी क्रियापदों को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने कॉपी में, इस वीडियो में के जो भी शब्द है अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा और ज़्यादा मात्रा में इसे बोलने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर, आज इससे पहले हमने पार्ट्स ए ऑलरेडी, पार्ट्स ए के क्रियापद वाले ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। अगर आपने वो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देखने की कोशिश करिएगा। तो आज जो हमारा पार्ट टू है, ओके, यानी ए सीरीज वाला, तो देखिएगा अभी क्रियाता साधु रूप, यानी इसका मतलब होता है क्रियापद के साधन रूप। ये जो हमारे जितने भी है, ये हमारे तोकयाना, नटे, नैटाना, मुरसाना, लजेमाना, ये जो हमारे क्रियापद के साधन रूप हैं, ठीक है। हम सभी के सभी साधन क्रियापदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से जो जैसे कि ना प्रत्यय हटा देंगे तो उसमें से मुरसा आएंगा हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा हमारा मूल धातु या तो मुख्य क्रियापद। देखिएगा हम नोट में यहाँ पर लिख कर दिया है, जैसे कि क्रियाता साधु रूप तू ना पस्तोरी लागिनता, क्रियाता साधु रूपताल ना पस्तोरी तणतेन जो रूप पिस्ताल मनता तान सिर धातु इंतोर इंतेर, यानी क्रिया के साधन रूप को ना प्रत्यय लगता है, क्रिया के साधन रूप से ना प्रत्यय निकालने से जो रूप शेष रहता है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे कि इधर देखिएगा, इधर आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखने को मिलेंगे, इधर गुंडी है और इधर हिंदी है, ठीक है। कुछ कुछ जो क्रियापद है जो सिमिलर है यानी समानार्थी है, सभी क्रियापदों को लिखेगा। गुंडी थे क्रियाभेद इलते न्यूजे ना परोग, यानी नेम्स ऑफ वर्ड्स इन गुंडी लैंग्वेज, यानी गुंडी भाषा में क्रियापदों के नाम। देखिएगा पहला क्रियापद हमारा जैसे कि अबैंडन वन सेल्फ, यानी मुरसाना, खलराना, मुलिताना, तो इसका मतलब क्या आता है, झुकना या तो ढलना। मुरसाना का मतलब झुकना होता है, खलराना होता है झुकना, मुलिताना का मतलब ढलना। तो देखिएगा अभी, तो इसमें देखिएगा ना जो प्रत्यय है ना, तो ना प्रत्यय को हटा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में मुरसा, ओके। मुरसा क्या हो जाएगा हमारा मुख्य क्रियापद, और मूल धातु रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा मुर्स, ओके। मूल धातु रहेंगे तो मुर्स हो जाएगा। तो आपको जो है ना मुर्स धातु, जो मूल धातु होती है उसके अनुसार आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने सभी सेंटेंसेस को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, सभी वीडियो को देखिएगा और इस पर से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा क्रियापद अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है लज्जेमाना, गुंडी में हिंदी में लज्जित करना या तो शर्माना। नेक्स्ट शब्द देखिएगा, नेक्स्ट शब्द है हमारा अबेट, अबेट का मतलब होता है तकोयाना यानी नैटाना, इसका हिंदी में मतलब होता है रोकथाम करना, कम करना, रद्द करना। एबडक्शन या तो शू, इसका मतलब होता है दुनकाना यानी डेक्साना, भगाना, हिंदी में भगाना। अबाइड, मंदाना, सोचाना, टिकाना, तक्काना, इसका मतलब रहना या तो टिकना। याप्सॉप यानी सोकाना, वत्तायाना यानी सोख लेना या तो चूसना। याबिज, मार्ट्रेट या तो स्क्वाड, इसका मतलब तड़ीहताना, रंगाना यानी गाली देना, दुरुपयोग या तो तिरस्कार करना। नेक्स्ट देखिएगा एक्सेप्ट यानी येताना, धारजाना, येतमाड़ाना यानी स्वीकार करना या तो लेना। येताना का मतलब लेना होता है, स्वीकारना भी होता है, धारजाना का भी मतलब वही होता है। एकोमोडेट का मतलब पद्दाना यानी समायोजित करना। एकोस्ट यानी धटकाना, हटकाना यानी टोकना, हटकना। एक्यूमुलेट यानी इराना या तो जमाना यानी रखना, संचय करना, संग्रह करना, जमा करना। नेक्स्ट शब्द देखिएगा नोया, एक यानी नोयाना यानी हिंदी में पीड़ा होना, दर्द होना, दुखना। अचू का मतलब होता है गुंडी में पुरस्ताना, हिंदी में हासिल करना, प्राप्त करना। एक्वायर यानी अख्तियाना, गौसाना यानी प्राप्त करना, अधिकार पाना, मिलना, ओके। नेक्स्ट शब्द देखिएगा याक का मतलब होता है सोंगाना यानी अभिनय करना या तो रंगमंच करना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा एंड तक देखिएगा, है ना। अगर आपके पास में क्रियापद होंगे आप लोग, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। अभी कैसा आपके लिए ये शब्द जो अननोन है, इसीलिए आपको ये शब्द जो पूरे के पूरे याद करना है, तभी आप बोल पाओगे। एक्टिवेट का मतलब होता है किमाड़ियाना, संज्ञाना यानी उसकाना यानी सक्रिय करना, प्रवृत्त करना। नेक्स्ट देखिएगा टू बिकम एक्टिव यानी उइसारायाना, चेतोमायाना यानी सतर्क होना। एक्चुएट यानी जोरकियाना, बुत्तायाना, उसकाना यानी उकसाना, गति देना, प्रवृत्त करना। याड, लिंक, ज्वाइन, इसका मतलब अक्काना यानी जोड़ना। एड्रेस का मतलब वडुकाना यानी संबोधित करना। एडजस्ट यानी पद्दाना या तो जोड़े मायना।
समायोजित करना, एडमायर यानी गुणगाना, स्तुति कियाना यानी प्रशंसा करना, एडमिट निंदायना या तो सोड़ी मायना यानी भर्ती होना या तो भर्ती करना, एडोनाइज यानी पेंडाना, सवरना, सवारना और सजना, एडोप्ट यानी मेंदेताना, कोडाना यानी स्वीकारना, अंगीकारना, दत्तक लेना, एडसॉप यानी जिराना यानी सोखना, एडवाइस यानी सरसियाना, सलाह देना, यापेक्ट यानी उर्दाबाना, प्रभाव डालना, यापोड यानी पूरे मायना, बर्दाश्त करना, एजिटेट केचाना, औकाना, हवराना, उकसाना यानी खवलना, भड़काना, याग्रेंजर पटेमायना, सहमत होना, अलर्ट यानी एम यानी निंगाना, नेमनगराना यानी लक्ष्य होना, इरादा रखना, अलर्ट यानी चेतियाना, चैकाना यानी खतरे की सूचना देना। चैकाना का मतलब एक बोलना भी होता है ना, किसी को हम जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम होगा तो हम उसको कैसा सूचित करते हैं, ओके, तो हम चैकाना ये शब्द यूज करते हैं। अनानिकुन चेकिन तो ना, मैं आपको सूचित करता हूँ, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अलाइट, अलाइट का मतलब निरुसीयताना यानी प्रदीप्त करना, अलव यानी उक्रियाना, इंगे माड़ाना यानी अनुमति देना, यामीज यानी मोती मति मुद्राना, मति वलियताना यानी मन बहलाना, एनालिज यानी उमेज माड़ाना, विश्लेषण करना, एनिमेट जीवाना, संख्याना, जिंतुयाना यानी उत्तेजित या तो चेतना करना, जीवित करना। तो ये पूरा का पूरा सगा जो हमारे ए सीरीज वाले पूरा का पूरा गुंडी वोकैबुलरी है, आप लोग पूरा इसे लिख कर रखिएगा अपने कॉपी में। एनिल का मतलब क्या आता है, कासी हताना यानी सनकाना यानी गर्म करना, ताव देना। नेक्स्ट क्रियापद देखिएगा, अनाउंस यानी दौंडियाना, इत्ता कियाना, इंजर घोषणा करना या तो सूचना देना, अना या तो टॉर्चर इसका मतलब होता है सहटाना, तसाना, तरसाना, शेटाना, दर्पाना यानी सताना, गुस्सा दिलाना, परेशान करना, टू बिकम एंग्री, होंग या तो सोंग वायाना यानी क्रोध आना, होंग या तो सोंग का मतलब क्या आता है, क्रोध होता है, वायाना का मतलब आना, आंसुर का मतलब अंसुर आना यानी उत्तर देना, अपोलोगाइज यानी सम्यकाना, क्षमा मांगना, माफी मांगना, अपियर, अपियर या तो सिम इसका मतलब होता है दिसाना, दिष्टाना, टोपिसाना दिखना या तो प्रकट होना, अपलाउड यानी कोवायाना, सराहना करना, अप्लाई एडमिनिस्ट्रेटर अनॉइंटमेंट इसका मतलब होता है लगाना, सोकाना, होकाना यानी लागू करना, लगाना, अपॉइंट एम्प्लॉय यानी नॉमिनेट, नेमाना, नियुक्त करना, नियत करना, सेवा में रखना, एप्रिशिएट यानी वाहवाही कियाना, सराहना करना, रस ग्रहण करना, अप्रोच करुमायाना, निकट आना, प्रस्ताव करना, अप्रूव यानी इंगेताना, मंजूर करना, आर्ग्यू कैजाना, बहस करना, अराइज तेदाना, तेसाना यानी उठना, उठाना, तेदाना का मतलब उठना, तेसाना का मतलब उठाना, तेचियाताना का मतलब होता है उठवाना, ऑरेंज यानी व्यवस्थाना, सोयाना यानी व्यवस्था करना, कैरिरेज यानी लोनकाना यानी पीछे रहना, पिछड़ना, बकाया या तो बाकी होना, अरेस्ट यानी कैदाना, गिरफ्तार करना, असेंड यानी तरगाना, चढ़ना, आस्क यानी तैकाना, पूछाना, पूसेमायाना इसका मतलब होता है पूछना, असेंबल इर्जाना, कुंजाना यानी इकट्ठा करना, समायोजित करना है ना, किसी चीज़ों को हम जोड़ते हैं तब हम ये वाला क्रियापद यूज करते हैं, एजेड यानी ठनकाना, ठनके सियताना, दावा करना, जोर देना, एजॉड यानी दर्जाना, इरपाना यानी छाटना, याज्यूम यानी उमजेमायाना, मांडीना, मानेमायाना यानी मानना, ग्राह्य धरना, एस्टॉनिश यानी अचुंबाना, सोटायना यानी इसका मतलब होता है हिंदी में चकित करना या तो होना। नेक्स्ट क्रियापद देखिएगा, अटैच, अटैच का मतलब होता है तुणसाना, सांधाना, अक्साना यानी संलग्न करना, जोड़ना, अटैक यानी चौताड़ाना, जोखमाना यानी आक्रमण करना, हमला करना, अटेन यानी पुट्टाना, पुट्टुसाना, हासिल करना, प्राप्त करना, अटेम्प्ट यानी कोसिताना, कोसित कियाना, प्रयास करना, अटेंड उपस्थाना, हजर मंदाना यानी किसी समारोह में भाग लेना, हाजिर होना, उपस्थित होना, टू पे अटेंशन, डुमाना, निंगाना, निंगराना, जप्पाना यानी ध्यान देना, ध्यान रखना, ध्यान दिलाना, अट्रैक्ट मतिस्काना, आकर्षित करना, ऑडिट यानी खतोयाना, लेखा जोखा करना, अवॉइड धरकाना, किसी को टालना, नज़रअंदाज करना, अवेक यानी कैपाना, जागना, चौकन्ना होना,
अवार्ड यानी इनाम या तो पुरजिंसू सियाना यानी पुरस्कार देना, बक्षिस देना। अपियर बी अवेयर यानी खटकाना, कैपाना यानी आभास होना, सचेत होना, जागृत होना। तो यहाँ पे देखिएगा बुढ़िताना, ये आठना पता नहीं सगा जन मेरे को क्या होता है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वड़िताना, वड़िताना का मतलब होता है ऊपर से इतना अधिक लाद देना कि नीचे वाली चीज़ छिप जाए, आच्छादित कर देना या तो ढकना। तो सगाजन ये हमारे पूरे के पूरे ये सीरीज वाले क्रियापद थे। तो ये पार्ट टू है, तो इससे पहले हमने पार्ट वन को ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे, वहाँ पर कुछ गिने चुने क्रियापद थे। तो इसमें जो आपको सभी प्रकार के क्रियापद देखने को मिलेंगे। तो इस अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ठीक है सगाजनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।